नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे किस तरीके से हम अपनी बैटरी के लाइफ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप अपनी बैटरी की लाइफ से परेशान हैं, बार बार वो डिस्चार्ज हो जाता है, आप यूज़ करते हैं, चार्ज में लगाते हैं, दिन भर चार्ज में लगाते हैं, नेट यूज़ करते हैं तो और तेज़ ख़त्म होता है, आप बहुत परेशान हो जाते हैं, मैं क्या सेटिंग करूँ, मैं क्या करूँ कि मेरी बैटरी की लाइफ बढ़ जाए, तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। चलिए आइए देखते हैं। हाय, मेरा नाम गोपाल यादव। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरह अपने बैटरी के लाइफ को बढ़ा सकते हैं। पहले आप बैटरी यूज़ करते हैं तो आपको नॉर्मली यूज होता है, मगर एक दो महीने बाद आपको लगता है कि मेरी बैटरी दुगनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। मैं कुछ भी सेटिंग करूं, मैं ना यूज़ करूं, फिर भी वो धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है। बहुत परेशान हो जाते हैं कि एक महीने तो 15 दिन सही चली, उसके बाद से हमारी बैटरी दुगनी तेज़ी से ख़त्म हो रही है। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ, मेरी बैटरी ख़राब हो गई कि मेरा मोबाइल का बैकअप ख़राब हो गया, क्या हो गया कुछ पता नहीं चलता। तो मैं आपको एक सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ, कुछ सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपने बैटरी के लाइफ को दुगना कर सकते हैं। इसका मतलब जब आप खरीदे थे उससे दुगना कर सकते हैं। तो पहले आप क्या करेंगे अपने मोबाइल के ब्राइटनेस, इसका मतलब जो रोशनी होती है, उसको आप क्या करेंगे, कम करेंगे, इतना कम करेंगे कि हम मुझे दिखाई दे क्या मोबाइल में है। अगर आप घर में हैं तो उसकी लाइट हमेशा कम रखें, अगर आप बाहर जाते हैं तभी उसकी ब्राइटनेस बढ़ाए, इसकी मतलब उसकी रोशनी बनाए, स्क्रीन की रोशनी बनाए जिसको आप अंदर से दिखाई दे सकें, ये बहुत ज़रूरी होती है। लोग क्या करते हैं, फुल ब्राइटनेस कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बैटरी बहुत तेज़ ख़त्म होती है। जैसे आप खोलते हैं बैटरी का आधी से अधिक लाइट खींच लेती है बैटरी की एनर्जी को, ये बहुत बड़ी नुकसान है। तो इससे बचने के लिए आप ज़रूर करिए कि बैटरी के बैकअप को बचाने के लिए ब्राइटनेस बहुत कम करिए, घर में कम करिए, बाहर जब निकालें तब उसको बढ़ाइए। अब पहला ये हो गया। दूसरा ये करिए, आप फालतू के ऐप्स को इंस्टॉल मत करिए। आप फालतू के, जैसे आपको कभी यूज़ था, उसने आपने इंस्टॉल किया, उसके बाद आप उसको छोड़ दिए मोबाइल में, उसका ना यूज़ करते हैं ना उसको क्या, वो क्या करती है अपनी बैकअप के लिए अपने आप से बैटरी की एनर्जी को खींचती रहती है। अगर कोई ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी खींचता है, वो बहुत ज़्यादा MB का है तो बहुत ज़्यादा बैटरी को खींच लेता है या बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप को कम कर देता है। इसीलिए आप बेकार की फालतू चीज़ें ऐप्स को इंस्टॉल कर दीजिए और एक क्लीनर लोड कर लीजिए, या ऑल इन वन है या कोई भी क्लीनर लोड कर दीजिए जिसके आपके फालतू कैचेस वोचेज सब को साफ कर दे। दिन भर में एक बार आप साफ करके उसको कचरा निकाल दीजिए, वो भी क्या करता है आपके बैटरी बैकअप को बेकार करता है। अब तीसरा क्या है कि आप क्या करते हैं, लाइव जैसे आपके वॉलपेपर लगाते हैं, चलने वाला लगाते हैं, वो आपका बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है। तो आपका बैटरी से प्रॉब्लम है, लाइव वॉलपेपर लगा रहे हैं, तो आप क्या करिए, उस वॉलपेपर को आप हटा दीजिए, अच्छा सा फ़ोटो लगा दीजिए। लाइव वॉलपेपर की कोई ज़रूरत नहीं है। शौक के लिए अगर आप बाहर जाते हैं किसी को दिखाना है तभी आप उसको लगाइए, वैसे आप अपने मोबाइल में सिंपल रखिए वॉलपेपर, कोई ज़रूरत नहीं है आपको वॉलपेपर दिखाने या लगाने की। बस आप कहीं दिखाना है तभी आप उसको दिखाइए, बार बार आप घर में यूज़ कर रहे हैं तो उस वॉलपेपर को हटा दीजिए, क्योंकि आपका मोबाइल का पावर वो खींच लेता है, सोख लेता है एक प्रकार से। आप तो इस तरीके आप अपने बैटरी बैकअप को बचा सकते हैं। अब चौथा क्या है कि आप अपने मोबाइल में कभी भी नेट यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद उसको बंद कर दीजिए। इससे ये होता है कि आपकी बैटरी बैकअप वो नेट, जैसे आप YouTube चलाएंगे, व्हाट्सएप चलाएंगे, तो मगर जैसे आप YouTube चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपका खींचता है, क्योंकि इसमें वीडियो चलता है, नेट से चलता है, थ्रू चलता है, बहुत ज़्यादा चलता है, जिससे आपका बैटरी बैकअप बहुत तेज़ खींचता है। अगर आप नेट चलाते हैं तो आपका बैटरी बैकअप जिसे लगता है कि धन से गिर जाएगा, इस तरह होता है। आप चार्ज में लगाए रहते हैं फिर भी क्या होता है, आपका चार्ज कम होता है, बहुत तेज़ कम होता है। इससे आपको पता चलता है कि नेट बहुत ज़्यादा बैटरी खाता है और आपका मोबाइल भी गर्म हो जाता है। इससे आप क्या बचने के लिए क्या कीजिए, नेट यूज़ किए मगर
बढ़िया से, ये नहीं कि आप नेट यूज़ करें तो लगातार यूज़ करें, तो इससे आप क्या होगा कि नेट जब यूज़ करें तो आप चार्ज में लगा के यूज़ करें, इससे क्या होगा कि आपकी बैटरी जहाँ तक है वहाँ तक रुकी रहेगी, बहुत तेज़ी से ख़त्म नहीं होगी। पांचवा क्या है कि अगर आप यूज़ करते हैं कोई भी ब्लूटूथ वाईफाई हॉटपॉट, तो यूज़ करने के बाद आप क्या करते हैं, भूल जाते हैं उसको, खोल के छोड़े रहते, कहते हैं चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो क्या होता है कि वो बार बार में स्कैनिंग करती रहती है, वो लगातार अपना सिग्नल भेजती रहती है, और वो क्या करती है बैटरी को चूसती रहती है धीरे धीरे, और इससे भी आपका बैटरी बैकअप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको बैटरी लाइफ बढ़ाना है तो फालतू की एप्स इंटरनेट जब यूज़ करें तभी उसको चालू करें, वरना उसको बंद कर दें, लीव वॉलपेपर मत लगाएं, और अपने और जो ब्राइटनेस उसको कम कर दें। ये सारे उपाय करने के बाद आपको अनुभव होगा कि मेरी बैटरी की लाइफ क्या हो गई, दुगनी हो गई है। फालतू के ऐप्स बिल्कुल मत लूट करिए, अगर लूट करते हैं, अगर आपने उसका यूज़ किया वो बेकार हो गया तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, और एक क्लीनर आता है उससे आप साफ़ करते रहिए अपने मोबाइल की गंदगी को, जिससे जंक्स को, जिससे क्या होगा कैचेस को, जिससे आपका बैटरी लाइफ बढ़ती रहेगी। ये नहीं कि बैटरी पे आप प्रेशर डाल दें और सारे प्रोग्राम को हैंडल करेगा और बैटरी बैकअप ख़राब नहीं होगी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लोग क्या करते हैं अपने मोबाइल को ले लेते हैं, महंगे महंगे मोबाइल उनके डाउन हो जाते, 1 घंटे में नहीं चला पाते, नेट सही से नहीं पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उनके तरीका नहीं, वो कहते हैं मेरा महंगा मोबाइल लाओ, खूब अपलोड कर दे, सब मेरा सही हो जाएगा, मगर क्या बैटरी तो बैटरी होती है, वो बैठ जाती है, वो चूस जाती है। तो मेरे दोस्तों, ये ट्रिक आप अपनाएंगे तो आपकी बैटरी लाइफ दुगनी हो जाएगी, निश्चित दुगनी हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।